देखिए दोस्तों, मैं अभी इसका मोटर का कनेक्शन लगा दिया है, इस पे सेंसर का भी कनेक्शन जोड़ दिया है, और अभी इसमें थ्रॉटल अभी पुश अप करेंगे, और ये देखिए ये घूमने लगा है। वेलकम फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स इनकम आइडिया चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए ये ई रिक्शा का कंट्रोलर रिपेयरिंग करने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो चलिए पहले इसको खोल लिया है हमने, और सबसे पहले बाहर से देख लेंगे कहीं पर कोई जला हुआ या कोई बर्न या फटा हुआ कुछ है कि नहीं। पहले विजुअली देख लेंगे, विजुअल ये देखने में तो सब सही दिखा रहा है, कहीं पर पे कोई जला हुआ या फिर कुछ खराब तो पर्स फटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए ये मीटर को डाइड मोड पे रख के पॉजिटिव जो है कंट्रोलर का वायर में नेगेटिव प्रॉप को पकड़ना है, और मोटर का जो तीन वायर है उसमें हम लोगों का इसका चेक करना है। देखिए दोनों में 420 करके दिखा रहा है, और ये ब्लू वाला में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ब्लू जो वायर है, ब्लू वायर में ही उसी सेक्शन में ही इसका प्रॉब्लम है। तो पहले इसका मॉस्फेट चेक कर लेते हैं, ड्रेन टू गेट, ड्रेन टू सोर्स, एक एक करके चेक कर लेंगे। और इसमें हम लोग देख लेंगे चार मॉस्फेट जो है एक चैनल पे, एक साइड पे, तो उस चार मॉस्फेट के कौन सा वाला ख़राब है वो भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे। देखिए जैसे ये साइड वाला, ये देखिए ये वाला, इसमें देखिए जीरो जीरो दिखा रहा है, उसका साइड वाला में देखिए ओम्स का वैल्यू कम आ रहा है। ठीक है, देखिए जैसे इस सेक्शन में हम लोगों का मीटर पे दिखा रहा है, देखिए इस मॉस्फेट पर जब हम लोग नापने जा रहे हैं तब इसका क्वांटिटी जीरो जीरो दिखा रहा है। अगर इसको बीप मोड में रखेंगे तो ये पूरा फुल बीप दिखाएगा, और बीच वाला जो सेक्शन है उसका भी एक बार नाप लेंगे। मतलब ये तीन सेक्शन जो है, तीन सेक्शन एक साथ में बहुत कम ही ख़राब होता है, दो सेक्शन या एक सेक्शन ही मैक्सिमम ख़राब होता है। तो फर्स्ट वाला जो सेक्शन में जो जो हार्डवेयर लगा हुआ है सेम टू सेम, सेकेंड और थर्ड में भी सेम वैल्यू और सेम हार्डवेयर ही लगा रहता है। तो जो सेक्शन अच्छा है उसमें जो क्वांटिटी, जो फिगर आता है, जो कॉन्फ़िगरेशन जो आता है, वही सारों बाकी जो चैनल है उसी सब चैनल में सेम टू सेम ही आएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे इस केस में ये वाला मॉस्फेट इसका ख़राब निकला है। मतलब कि आप जब मापेंगे इसको तो जो सेक्शन ख़राब है और जो सेक्शन सही है, वो सही वाला सेक्शन में जो क्वांटिटी आता है, जो रेजिस्टेंस आता है, वही आपको बगल वाला में भी वही रेजिस्टेंस, वही क्वांटिटी लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ये वाला मेरा मॉस्फेट ख़राब है, इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो इस कंट्रोलर में इसको रिपेयरिंग करने का यही एक सुविधा हो रहता है कि आपका जो सेक्शन है वो सही, बाकी जो सेक्शन है वो एकदम अगर सही होता है तो आपको उसका मेजरमेंट आपको मिल जाएगा, उसी को ही पकड़ के आपको जो ख़राब सेक्शन है उसको मेजरमेंट करना है सेम टू सेम। इसमें जो ओम्स रहेगा, जो वैल्यू जो आएगा वही सेम टू सेम बगल वाला में भी होगा, आपका जो ख़राब सेक्शन है उसमें भी सही वही होगा। देखिए जैसे ये मेरा मॉस्फेट, ये मेरा मॉस्फेट ख़राब निकला है। ठीक है, तो हम लोग इसी मॉस्फेट को, इस सारे मॉस्फेट में एक ही मॉस्फेट सिर्फ ख़राब निकला है, तो हम लोग सिर्फ इसी मॉस्फेट को चेंज कर लेंगे। देखिए जैसे इसमें अभी आ रहा है 940, इस सेक्शन में ऐसा क्वांटिटी आ रहा है, तो देखिए बगल वाला में भी सेम टू सेम सेक्शन में वो भी वैसे ही आना चाहिए। थोड़ा बहुत दो चार पाँच कम ज़्यादा हो वो चलेगा। ठीक है, ये इसका एक आसानी होता है चेक करने के लिए।
देखिए हाई पे चला जाके फिर नील हो जाएगा इसमें, देखिए नील हो गया। अभी इस सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही हो जाए, ऐसा ही आना चाहिए बाकी दो सेक्शन में भी। गेट टू सोर्स, ड्रेन टू सोर्स, सभी साइड से चेक कर लीजिएगा। गेट टू ड्रेन, गेट टू सोर्स, ड्रेन टू सोर्स, सब इस एरिया को बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। और इसमें मॉस्फेट खराब होने के साथ साथ देखिए और एक वाइटल चीज़ है इसका, ये जो स्विचिंग जहाँ पर जिस रेजिस्टेंस से स्विचिंग होके इसका मॉस्फेट पे गेट में पल्स जो जहाँ जाता है उसके आगे कुछ ड्राइवर सेक्शन में कुछ रेजिस्टेंस, कुछ ट्रांजिस्टर और डायोड दिया गया हुआ है, ये सब को आपको बढ़िया से चेक करना है। मॉस्फेट उड़ने के साथ साथ इस सब ओम्स वैल्यू का जो रेजिस्टेंस रहता है वो भी ख़राब होने का चांसेस मैक्सिमम रहता है। देखिए जैसे ये चार मॉस्फेट है, उसी चार मॉस्फेट के रिगार्डिंग में आपको स्विचिंग करने के लिए वो ओम्स वैल्यू का रेजिस्टेंस दिया गया है। तो जब भी मॉस्फेट ख़राब हो वो रेजिस्टेंस ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ जो बाकी कंपोनेंट है, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है, एक डायोड भी लगा रहता है, वो सब भी बढ़िया से चेक कर लीजिएगा फिर, ठीक है। उसके बाद ही लाइन देके चेक कर लीजिएगा ये जो सेक्शन का, देखिए ये इधर में सारा रेजिस्टेंस और पीएफ लगा रहता है, ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में भी सेम टू सेम भी रहता है। देखिए यहाँ पर तीन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन और पीएनपी दोनों ही टाइप का ट्रांजिस्टर लगा रहता है। इन्वर्टर का जैसा रहता है वैसे ही इसका भी सर्किट वैसे ही है, डायग्राम लगभग ऐसे ही है। देखिए मेरे इस केस में इसका रेजिस्टेंस सही है, 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, किसी में 2.2 ओम्स का रहता है, किसी में 100 ओम्स का रहता है, अलग अलग रहता है, लेकिन वो रेजिस्टेंस ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मॉस्फेट में लाइन दे के चेक कर लीजिएगा। देखिए इस मॉस्फेट, ये किसी भाई से रिपेयर होके आया है, दूसरा नंबर का मॉस्फेट लगाया है, ये मॉस्फेट ही मॉस्फेट ख़राब था, इसका शायद एम्पियर कम ज़्यादा होगा, तो इसमें जो लगा है वही हम लोग इसमें डालेंगे 120 एन 60 या 70 नंबर का है मॉस्फेट। इसका मॉस्फेट में मिलना इजी है, आप कोई भी रिपेयरिंग का या फिर जहाँ पर ई रिक्शा का जो सर्विस वगैरह जहाँ पर होता है उस जगह पे पुराना कंट्रोलर बहुत मिल जाएगा आपको, वहाँ से किलो के भाव से लेके आइएगा तो उसमें से आपका पुराना सब मॉस्फेट निकल जाएगा। देखिए जैसे इसमें तीनों फेज में देखिए बराबर क्वांटिटी आ रहा है, मीटर को डाइट मोड पे रखा है, थोड़ा बहुत कम बेसी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। अभी इसमें मॉस्फेट को डाल दिया हमने, इसको सोल्डर कर लेंगे। तो पुराना जो कंट्रोलर है वो ख़रीद लीजिएगा किलो के भाव से, वहाँ से मॉस्फेट आप लोगों को बढ़िया क्वालिटी का मिल जाएगा, 5-10 पीस खरीद लीजिएगा तो आपका सारा काम निकल जाएगा। अभी इसको पेट्रोल से साफ कर लेंगे। मॉस्फेट लगाने के बाद देख लीजिए हर एक तीन जो वायर रहता है मोटर का, उसी मोटर का सारे सेक्शन में देख लेंगे, सेम क्वांटिटी होना चाहिए, 5-10 कम ज़्यादा होने से भी चल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी रेंज पे आना चाहिए। देख लीजिए सभी मॉस्फेट का स्विचिंग वही रेजिस्टेंस रहता है, ये जो सारा है ये सब स्विचिंग का रेजिस्टेंस है ओम्स वैल्यू पे रहता है, 10 ओम्स, 2.2 ओम्स, 100 ओम्स का वैल्यू रहता है, पीएफ और ट्रांजिस्टर भी रहता है, एनपीएन और पीएनपी, ये सबको भी देखना है।
देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने इसको मोटर के साथ जोड़ दिया है और थ्रोटल भी इसमें कनेक्शन कर दिया है। जैसे थ्रोटल को घुमा रहे हैं तो मोटर ये बहुत बढ़िया से घूम रहा है। ठीक है, ऐसे जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।